अच्छा भाई आज की जो क्लास है आप लोगों की दैट्स बेसिकली सेशन नाइन सेशन नाइन इज़ रिलेटेड टू रिकर्जन रिकर्जन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो मज़ेदार कॉन्सेप्ट मज़ेदार मेरे लिए है मतलब क्योंकि मुझे मज़ा आता है इसको करने में और सॉल्व करने में और सोचने में मोर चैलेंजिंग मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड आप लोगों के लिए मज़ेदार नहीं है क्योंकि ज़्यादा सोचना पड़ता है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है ठीक है तो इट्स लाइक देखो आज जो हम सवाल करेंगे ना अगर वो हो पाता है तुम तो लोगों से अगर नहीं हो पाता है तुम तो लोगों से तो कोई मसले की बात नहीं है एक आज की क्लास में ना एक पैटर्न फिगर आउट करना क्योंकि अभी तक हम लोग ना दो तीन सवाल कर चुके हैं रिकर्जन से रिलेटेड और उसमें एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है आपको थोड़ा सा ना डिफरेंटली सोचना है बस मेन चीज़ है कि डिफरेंटली सोचना है अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैं भी अपनी जो लाइक like, प्रैक्टिकल उसमें ना लाइक uh, like, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं भी यूजली रिकर्जन यूज़ नहीं करता हूँ लाइक इन जनरल केसेस कोई भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसमें मैं रिकर्जन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ तो समाइम मुझे भी चीज़ों को सोचना पड़ता है तो हर चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ता है कि भाई ये एक सवाल है इसको मैं किस तरीके से करूँगा ऐसा नहीं होता है कि आपके दिमाग में फ़ॉरन से चीज़ नहीं आती है जैसे पेपर टू जैसे नॉर्मल आइटरेटिव कोर्स होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है उसका पैटर्न एक कि अगर ये चीज़ मुझे बार बार करनी तो मैंने फॉर्ड ल्यू पर मैं उसको बार बार चीज़ करता जाऊँगा तो उसका पैटर्न दिमाग में होता है तो अब जितनी रिकर्जन की प्रैक्टिस करोगे तुम लोग उतना तुम लोगों का फ़ायदा होगा ताकि तुम्हारा दिमाग उसके मुताबिक चेंज हो सके थोड़ा बहुत तो कोशिश करो अगर आज का सवाल हो जाता है आज के सवाल में एक पैटर्न को फिगर आउट करना और फिर हम एक कल का जो सवाल करेंगे कल भी रिकर्जन करेंगे लेकिन वो मैं तुम लोगों को दूंगा और पहले से दे दूंगा ताकि तुम उसको सॉल्व कर पाओ और सोच पाओ सही है या आज की क्लास में कर रहे हैं और तुम लोगों को फिर मैं एज अ होमवर्क दे दूंगा और फिर कल की क्लास में कुछ और देख लेंगे तो वो हम देख लेंगे अभी फिलहाल फिगर आउट करते हैं उसको लेकिन जो आज की क्लास है उस पर सब गौर से देखें सुकून से दैट इज सेशन नाइन ऑफ योर टेन डेज सेशन जो हम लोगों का चल रहा है अब उसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है ना बाई द वे दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन हैं ये जिसमें आप लोगों से उसने सवाल किया है अब यहाँ पे उसने क्या बोला है क्वेश्चन uh, वन है ये आप लोगों का जिसमें वो आप लोगों से बोल रहा है दिस आइट्रेटिव फॉर द फंक्शन आइट्रेटिव वॉवल्स टेक्स स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर अब मेरे साथ पढ़ते रहना और एक चीज़ और दिमाग में रख लो कि भाई तुम लोग ट्रांसलेट नहीं करते हो ट्रांसलेट से मतलब क्या है मेरा मेरा मतलब ये है ट्रांसलेट से कि तुम लोग जो चीज़ पढ़ते हो ना उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो जो अपनी लोकल लैंग्वेज है तुम्हारी जो भी लोकल लैंग्वेज हो उससे क्या फ़ायदा होता है उससे आपको समझ आता है क्योंकि हम सब जो है वो अलहमदिल्ला लाइक अंग्रेज तो नहीं है कुछ भी कर लो तो जीज़ मुझे चीज़ लाइक मुझे पर्सनली चीज़ समझ नहीं आती है इंग्लिश में जैसे मैं उसको पढ़ता हूँ उसमें टाइम लगता है समझने में तो इट्स लाइक पढ़ रहा होता हूँ फिर ट्रांसलेट कराता हूँ जब एक दफा पढ़ लो तो ट्रांसलेट कर लो समझ लो सही से क्योंकि ये थोड़ा ना टिकी भी करने की कोशिश करता है और घुमा फिरा के बात करता है तो हर चीज़ को ब्रेक डाउन किया करो कह रहे है भाई दिस आइट्रेटिव स्टूडियो को डिल फॉर द फंक्शन आइटरेटिव वर्बल्स आइटरेटिव मतलब लूब्स की बात हो रही है टेक्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड काउंट्स द नंबर ऑफ लोअर केस वर्बल्स इन द स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग लेता है एज अ पैरामीटर और उसमें कितने वॉवल्स हैं लोअर केस उसने बता दिया लोअर केस उसने ये नहीं बोला कि आपने हर एक एक कंसिडर करना है कैपिटलाइज को भी कंसिडर करना है नहीं उसने कहा लोअर केस जितने भी हैं आपने उनको काउंटिंग करनी है कि भाई दो वॉवल्स थे इसमें तीन लोअर केस वॉवल्स थे चार थे तो उसका आपने कोड लिखना है तो यहाँ पे उसने कोड दिया हुआ है और लेंथ uh, का फंक्शन और जो बेसिक स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको यूज करके सेम टू सेम कोड का परफॉर्म करा है लेट मी शो यू पार्ट ए ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन सही अभी फिलहाल ये पांच मार्क का सवाल है तो आप लोग इस कोड को खुद से देखो और खुद से फिगर आउट करो सारी चीज़ों को ना कि पाइथन में इसके लिए क्या कोड लिखना होगा किस तरीके से लिखना होगा किस तरीके से मैं एक्सट्रैक्शन करवा सकता हूँ इसमें हो क्या रहा है अच्छा एक चीज और बता दू देखो मैं लाइक like, पर्सनली जो चलो मैं तो सॉल्व करके कर तो दिखाऊंगा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया था तो जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ पहले मैं उसको खुद सॉल्व करता हूँ ताकि जो चीज मेरी थिंकिंग है ना वो मैं तुम लोग को समझा सकूँ सही है तो वो तो मैं भी जब तुम लोग कर लोगे इसको अटैम्प्ट कोशिश कर लोगे तो फिर मैं समझा दूंगा लेकिन एक जनरल से तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि इसको बगैर ऐसे मत किया करो कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया थोड़ी बहुत चीजें कॉपी पेस्ट लेकिन समझो कि यह कर क्या रहा है कोड में क्या कर रहा है जब तुम्हें कोड समझ आ जाएंगे ना क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग बी सेम बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं होगा ना पाइथन के अंदर वो इसको पाइथन में करना आपने तो थोड़ा बहुत सोचा करो पहले कि ये हो क्या रहा है उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया करो जब एग्जाम्पल लोगे तो तुम्हें उससे खुद ब्रेक डाउन हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही थी मैं पाइथन में इस तरीके से करूँगा सही है तो अब खुद सोचो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम इट्स अराउंड सेवन ट्वेंटी एट सम तो मैं तुम लोगों को इसके लिए टाइम दे सकता हूँ आई थिंक इसके लिए अराउंड टेन मिनट्स वुड बी अप्रोप्रिएट तो चलो अराउंड um, थर्टीन ले लो ठीक है इट्स सेवन थर्टी तो सेवन फोर्टी थ्री तक का टाइम है तुम्हारे पास सही फोर्टीन मिनट्स सम वॉट ओके तो तुम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो आम गेन अ पॉजर अकॉर्डिंग नाउ इसको सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर वन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जल्दी से इसको सॉल्व करो सोचो इसके बारे में I'm gonna pause the recording and also mute myself. 7:43 पे मिलते हैं आप लोगों से अब्दुल्ला अमीर सही है आपने solve करना है इसको खुद से ओके okay, अच्छा भाई जिससे हो गया ठीक है जिससे नहीं हुआ कोई मसला नहीं अब मैं इसमें कुछ चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा कि इस ऐसे questions को ना किस तरीके से करते हैं और मेन चीज़ है कि सोचना किस तरीके से और किस तरीके से कोट करना है अच्छा देखो हमारे पास जो सूडो कोड उन्होंने दिया हुआ है उसके मुताबिक सिंक और जो पर्पस है उसको दिमाग में रखना पर्पस दिमाग में क्या है भाई आपके पर्पस कि यू आर सपोज टू फाउंड टू रिपीटेड लाइक कितने वॉर्ल्स आए हैं सही है यू आर सपोज टू काउंट द नंबर ऑफ वॉर्स इस तरीके से आपने करना है चलो स्ट्रिंग Uh, अब क्या कह रहे हैं भाई वो एक वेरिएबल बना दिया टोटल जी को जीरो इनिशियलाइज किया हुआ है टोटल के अंदर वैल्यू है जीरो इसके अंदर हम लोगों ने काउंटिंग करनी है ठीक है उन्होंने पहले लेंथ स्ट्रिंग मतलब लेंथ निकाली उसकी इजीली हम लोग लेंथ के फंक्शन से निकाल सकते हैं इसको अब ये क्या चीज है भाई फॉर एक्स जीरो स्ट्रिंग माइनस वन अब मैंने इसको सोचा कि भाई सूडोकोड में क्या होता है सूडोकोड में होता है जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो एक्स के अंदर आएगी लेकिन क्योंकि पाइथन के अंदर ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होती है तो मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन करने के बजाय डायरेक्टली लेंथ स्ट्रिंग कर दूंगा मैं मुझे इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे uh, हमने कहा फर्स्ट करेक्टर मिड वैल्यू पाइथन के अंदर वी डोंट हैव मिड तो ये मिड वाली चीज किस तरीके से करेंगे वो कह रहा है सिर्फ एक करेक्टर वैल्यू में से सिर्फ एक करेक्टर अब मुझे लॉजिक अभी तक समझ नहीं आई यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है कि मुझे वैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए था फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू मिड इंडेक्स कॉमा वन वाली लॉजिक से भी इस चीज़ को ये सॉल्व कर सकता था कि जो हम लोग पेपर पे टू में करते आ रहे हैं कि जैसे एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करो कंपेयर करो काउंटिंग करो बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली वो कर रहा है सही है तो मिड इंडेक्स कॉमा वन करते थे जैसे हम लोग वैल्यू कॉमा इंडेक्स कॉमा वन तो इससे ऑटोमेटिकली एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाता था लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर रहा है फर्स्ट करेक्टर के अंदर स्टोर करो वैल्यू जीरो कॉमा वन अच्छा अब मैं ना एक एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ हाउस के नाम से यह कुछ इन्होंने नीचे दी हुई है पार्ट टू के अंदर एक एग्जाम्पल पार्ट टू के अंदर कुछ हाउस बोला हुआ राइट right? तो हाउस को ही ले, ले लेते हैं हाउस को ही कंसिडर कर लेते हैं वैल्यू के अंदर जो हमारे पास चीज है दैट इज हाउस तो गौर से देखना सारी चीजों को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन इसकी लेंथ कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव इसकी लेंथ आ रही है भाई फाइव दिस इज फाइव तो जीरो टू फोर तक चलाना है मुझे एक तरीके से फॉर एक्स जीरो टू फोर तक हम लोगों का सारा काम हम लोगों ने करना है तो एक तरीके से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन जीरो टू फोर तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी फिर उसके बाद वन होगी फिर टू फिर थ्री इस तरीके से काम होगा अच्छा नाउ दियर सिंग फर्स्ट करेक्टर मिड वैल्यू जीरो मतलब जीरो करेक्टर से स्टार्ट करो अच्छा ना पाइथन के सूडो कोड के अंदर ना थोड़ा सा मिड डिफरेंटली उन्होंने बनाया हुआ है, यहां पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी भी है उसकी इधर ना जीरो से स्टार्ट होता है इसकी जो करेक्टर पोजिशन होती हैं ना वो जीरो से स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग एट द करेक्टर पोजिशन जीरो वो किस तरीके से पता चल रहा था हमें यहाँ से पता चल रहा था कि वो उसने जीरो पोजिशन से स्टार्ट करवा रहा है तो फर्स्ट करेक्टर मिट कोड में होता था वन वन से ही पहला करेक्टर वन होता था यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली है कोड में जो मिड का फंक्शन दिया हुआ है ना आप लोगों को उसमें कह रहा है कि यहाँ पे इसको जीरो पोजिशन कहेंगे ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है इस तरीके से नंबरिंग जैसे सूडो कोड में होता था कोड में वन टू थ्री फोर मतलब पहले करेक्टर से स्टार्ट करो और एक ही करेक्टर चाहिए तो वन कमा वन लिखते थे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तो मिड वैल्यू जीरो वन का मतलब है एच सही है जीरो कमा वन का मतलब है एच तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया एच लिख दिया भाई यहाँ पे अच्छा अब इसको चेक करो इफ फर्स्ट करेक्टर इज इक्वल्स टू ए और ये तो बहुत आसान से आसानी से कंडीशन बन जाएगी

उसकी वैल्यू को चेंज करना है हम लोगों ने इसकी, जो स्ट्रिंग थी उसको चेंज करना है मिड पहले वाले से स्टार्ट करो पहला वाला क्या था भाई इसका जीरो वन टू थ्री फोर तो फर्स्ट करेक्टर इज वन तो आ, ये वाला ओ वाला लेट मी हाईलाइट दैट ये ओ की बात हो रही है तो ओ से इसको स्टार्ट करो कहां तक एक्सट्रैक्ट करो ये पूरी चीज एक्सट्रैक्ट कर दो लेंथ ऑफ वैल्यू माइनस वन मतलब फोर तक तो मैक्सिमम नंबर बता दिया उसने फोर तक आपको पाइथन के अंदर ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ वैल्यू लिखते हो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर देता है कि अप अपटिल दिस वैल्यू बट नॉट इंक्लूडिंग दिस वैल्यू सही है तो यहाँ पे फोर तक की बात हो रही है तो जीरो से फोर तक की तो अभी हमारे पास जो वैल्यू थी उसकी चीज स्ट्रिंग जो है वो चेंज होकर क्या हो चुकी है ओ यू एस ई सही है जनाब अब फिर से दूसरा लूप चला अब दूसरे लूप में क्या हो गया भाई हमारे पास जीरो से वैल्यू एक्स की वन हो चुकी है अब फिर से वो फर्स्ट तो चेंज हो चुकी है फिर हो जाएगा आ, यहां पे फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अब ओ ई -E में से एक्सट्रैक्ट करवाओ पहला करेक्टर लेकिन लाइक फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करो ओ ई O, U, S, e, तो दिस 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 इज 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 अब वो कह रहा है वन से स्टार्ट करो मतलब यू से स्टार्ट करो लेंथ ऑफ वैल्यू माइनस वन तो फोर माइनस वन फोर माइनस वन विल बी थ्री तो मुझे तीन करेक्टर्स चाहिए इस तरीके से सॉरी फाइव अभी फिलहाल जो लेंथ ऑफ वैल्यू है दैट इज चेंज और इसका आंसर क्या आ रहा है लेंथ ऑफ वैल्यू का इसकी भी आंसर चेंज हो चुकी है हमारी तो इट्स लाइक लेंथ ऑफ वैल्यू इज नाउ फोर तो 4 1 3 तो अब तीन कैरेक्टर्स चाहिए तो use हो जाएगा वो तो use फिर s e फिर e फिर खत्म दैट्स इट इस तरीके से वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है तो थोड़ा डिफरेंट तरीका है लेट्स ट्राई टू डू दिस नाउ इसी चीज को अब हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं लेट मी ओपन माय पाइचॉन लेट्स स्टार्ट चलो आ जाओ भाई The thing that they are saying is हर उसमें ना आपने वैल्यू को चेंज करना है तो डेफ जो कोर्ट लिखा हुआ था मैं उसको ही पहले तो कोशिश करते हैं आई ट्रिएट बॉबुल्स अब इसके अंदर क्या आता है एक वैल्यू लेनी है आपने एक रफ सा मुझे कोर्ट समझ आया मैंने बस उसका पर्पज पर समझ लिया कि क्या कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है बस मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद था टोटल इज इक्वल टू जीरो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करने को बोल रहा है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कर लेते हैं भाई लेंथ स्ट्रिंग के नाम से बनाना है एल ई एन जी टी एच लेंथ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लेंथ के नाम से हमारे पास फंक्शन है पाइथन में इसमें वैल्यू को पास कर दो सही अच्छा, to, uh, है जनाब अच्छा नाउ लेट्स मूव ऑन टू उसके बाद क्या कह रहा है फिर फोर का लूप है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन करके बनाना तो है फॉर एक्स जीरो टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन तो माइनस वन करने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में हम डायरेक्टली कर सकते हैं अब देखो फॉर एक्स इन रेंज बेसिकली जीरो से स्टार्ट करना है ऑटोमेटिकली जीरो से ही होता है वैसे तो हम लोग जीरो भी कर सकते थे डायरेक्टली जीरो से ही होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं लेंथ स्ट्रिंग लिख सकते हैं इस तरीके से

रेक्टर इज इक्वल फिर यू इस तरीके से आपने बनाना है अपना जब ये चीज बन जाए फिर वो क्या बोल रहा है आप लोगों से करने को सही अब क्या बोल रहा है भाई जाए, टोटल प्लस टोटल टू टोटल प्लस वन तो जो कह रहा है, बस मैं वो कर रहा हूं अभी फिलहाल कुछ भी सोच नहीं रहा हूं इतना अच्छा अब उसके बाद फॉर के लूप में ही इफ़ की कंडीशन से बाहर निकल के वो कह रहा है वैल्यू को चेंज कर दो वैल्यू को चेंज करके पहले हाउस था अब ओ यू ऐसी चाहिए तब वो किस तरीके से आएगा लेट्स डू दैट अच्छा मैं इफ़ की कंडीशन से बाहर निकला हूं अब मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो मैंने कहा वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू थी इट कैपिटल वी वैल्यू को चेंज करना है अब मुझे एक uh, एक करके ना ओ यू एस ई निकालना है तो ओ यू एस ई का मतलब क्या है किस करेक्टर से स्टार्ट करना है फर्स्ट करेक्टर से तो हमारे पाइथन में भी जीरो से स्टार्ट होती है तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से तो पहले से ही स्टार्ट करो पहले से स्टार्ट करो लेकिन रेंज क्या होगी लेंथ ऑफ वैल्यू माइनस वन तो जो भी लेंथ आ रही है उसको फिर से कॉल करो यहाँ पे आपको माइनस वन करने की जरूरत नहीं है आप लोग डायरेक्ट लेंथ ऑफ वैल्यू कर सकते हो तो लेट्स डू दैट फॉर एग्जाम्पल वैल्यू वन कॉलन पहले करेक्टर से स्टार्ट करो लेंथ ऑफ वैल्यू इससे वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता जाएगा उसकी चीजें चेंज करता जाएगा अब यहां से ओ यू एस ई आ जाएगा आपके पास फिर जब दूसरा लूप चलेगा फिर आ जाएगा यू एस ई फिर तीसरा लूप चलेगा तो एस ई -E. इस तरीके से काम कर रहे थे अच्छा अब फॉर के लूप से बाहर निकल के रिटर्न टोटल करवा दो लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग अगर एरर्स आते हैं तो सॉर्ट आउट करते हैं लेट्स सी टेम्प हाउस को पास करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक दो तीन एंसर -E तो आना चाहिए मेरा लेट्स सी द कोड इफ इट्स वर्किंग अच्छा इसको प्रिंट तो किया ही नहीं माशा ने प्रिंट्स तीन वॉबल्स से उसको वो कर रहा है. सब सुकून से देख लें इसको यहाँ तक मैं कोड रख रहा हूँ आप लोगों का और आप लोगों को, को टाइम दे रहा हूँ एक मिनट का बेटा सवाल भी मत आया करो मैं फिर बोल रहा हूँ तुम लोग ऐसे होते हैं बस पूछ लू मैं थोड़ा देखो तो कोर्ट को तो देखो समझने की तो कोशिश करो इब्राहिम सिद्दीकी शयान समझने की कोशिश करो भाई खुद खुद समझो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो बात करते हैं अभी क्वेरीज लेंगे तो हम सबसे क्वेरीज लेंगे सुकून तो से देखो सारी चीजों को इससे आपका पहला करेक्टर एक्सट्रैक्ट होता है एंड दिस इज हाव लेंथ ऑफ वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ तुम लोगों को वैल्यू ताकि हम हर लूप में वैल्यू को देख सकें किस तरीके से वैल्यू दिख रही है या मैं चलो यहीं पे कर देता सी प्रिंट वैल्यू देखो ओ यू एस ई देन यू एस ई देन एस ई देन ई इस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर रहा था वो तो बिल्कुल सही कोड काम कर रहा है मेरा यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम प्रिंट करके देखते हैं तो हाउस फिर ओ यू एस ई फिर यू एस ई फिर एस ई -E, फिर ई e. तो इस तरीके से पांच लूप्स थे पांच उसकी लेंथ थी तो पांच दफ़ा लूप चला ई तक उसने एक्सट्रैक्शन के अकाउंट कर लिया सारी चीज़ों को सुकून से देखो चलो अब आ जाओ क्वेरीज के ऊपर इफ देर इज एनी क्वेरी लेट मी नो सर डॉट लोअर यूज नहीं होगा नहीं बेटा उसने लोअर केस बोले थे ना कैलकुलेशन के लिए तो बस सिर्फ लोअर केस को कैलकुलेट करो आप अगर वो अपर केस होंगे तो उनको इग्नोर कर देना है वैल्यू जीकोस टू वन तो वैल्यू माइनस वन सर एफ के बगैर भी तो रन हो रहा एंड दूसरे वैल्यू सर एफ के बगैर भी रन हो रहा मतलब uh, समझा नहीं तो रन हो रहा दूसरा वैल्यू जीरो में तो हर बार ही पहला करेक्टर लेगा देन नेक्स्ट करेक्टर कैसे लेगा आप लाइन टेन रिमूव करके फिर भी काम करेगा बेटा नहीं काम कर रहा है ना इस चीज़ को समझो वो सिर्फ एक ही करेक्टर ले जा रहा है तो जब तक तुम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे जैसे तुमने पहली दफा में एच ओ यूएसई मैं जरा चैट पॉज करूं तुम लोग दीवाने हो गए हो एच ओ यूएस किया मैंने पहले लूप में देखो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूं तुम्हें तो प्रिंट वैल्यू ये देखो जब मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ ना तो आंसर किस तरीके से आ रहा है पहले हाउस आया मेरे पास हाउस में क्या हुआ उसने एच को एक्सट्रैक्ट किया क्योंकि उसने कहा था ना वैल्यू जीरो फर्स्ट करेक्टर तो उसने एच को एक्सट्रैक्ट किया और उसने फिर उससे कंपैरिजन करवाया फिर अब दूसरे लूप में ना हम उसी लूप में थे हमने क्या कर दिया उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जो वैल्यू थी ना उसको चेंज कर दिया चेंज करके क्या कर दिया ओ यूएस कर दिया ओ यूएस कैसे किया पहले करेक्टर से स्टार्ट करो मतलब पहले करेक्टर मतलब फर्स्ट पोजीशन क्योंकि पाइथन में भी जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सेस तो जीरो वन टू थ्री फोर तो पहले से जीरो वन वन से स्टार्ट करो हाउस के यहाँ से जीरो से स्टार्ट करो और लेंथ ऑफ वैल्यू लेंथ ऑफ वैल्यू जो भी है उसकी फाइव है

लेकिन पहले करेक्टर से स्टार्ट करना ओ यूएसई -E से अब जो ओ यू एस ई है ना आपका ओ यूएसई -E, uh, में बेसिकली अब आपने पहले से स्टार्ट करना है। तो आपका पहला है इसमें तो वो यू से एक्सट्रैक्शन करेगा यू एसई -E आपको दे देगा अब यूएसई -E से यू कंपेयर करवाओ सही है अब यू कंपेयर करवाओगे फिर यू से कंपेयर करवाने के बाद उसको टेस्ट करोगे उसको टेस्ट करने के बाद फिर आपके पास उसने फिर से वही सेम चीज वन कॉलन लेंथ ऑफ वैल्यू तब वो -E ले लेगा ले से स्टार्ट करके आगे तक सारी चीजें तो एस ई लेगा ले फिर एस ई करने के बाद ई ले लेगा इस तरीके से काम हो रहा था अब मैं तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर को प्रिंट करके भी दिखा देता हूं प्रिंट फर्स्ट करेक्टर तो इससे क्या हो रहा है वो देखना पहले आपके पास हाउस था एच हा आ गया ओ यू एस ई था ओ आ गया यू एस ई था यू आ गया एस ई था एस आ गया ई था ई आ गया इस तरीके से काम हो रहा था सही है तो ये काम करना था सुकून से देख लो इसका सही लाइन नाइन ना भी लिखे तब भी बेटा प्रिंट वैल्यू तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है ना लाइन नाइन ये तो मैं ऐसे ही फालतू तो में प्रिंट करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को सही है ये काम करना था भाई आप लोगों ने सर जी हाउस का लेंथ करेंगे तो पाइथन फोर देगा या फाइव बेटा लेंथ जो होती है वो वन से स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सर अब्दुल्ला ठीक है मैं देख लेता हूँ अब्दुल्ला मीर सर पास करेंगे प्रोग्राम में सर ए यू एन पास करेंगे प्रोग्राम में ए यू एन पास करूं कर देते हैं तो एू एन के अंदर ए ई आई ओ यू तो दो होना चाहिए इसका आंसर लेट्स सी बिल्कुल ए यू एन में टू आंसर आ रहा है अभी हाउस कर देता हैं वापस से चलो एक ही करके पहले क्वेरीज देखूं आपका थ्री क्यू आ रहा है थ्री क्यू आ रहा है मतलब लाइन टेन समझा दें लाइन टेन फिर से समझ लो भाई ये वाली लाइन कह रहे होगे तुम उस वक्त तो इस इस लाइन का मतलब क्या है इस लाइन का ये मतलब है लेट मी रिमूव द स्पेस हाँ अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है इसका लाइन का मतलब ये है पहले करेक्टर से स्टार्ट करो मैं तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ पहले तो आपके पास वैल्यू के अंदर एच ओ यू एस ई और इनकी नंबरिंग है जीरो वन टू थ्री फोर उसने कहा वैल्यू में से जो भी वैल्यू है उसमें से पहली पोजीशन से लेंथ तक मतलब फाइव तक तो सारे करेक्टर्स की बात हो रही है एक तरीके से तो इसका मतलब है पहले जब पहली दफा हमने एक्सट्रैक्शन की तो ये सारी चीज आ गई आपके पास ओ S E अब इसमें से यही सेम चीज लेकिन आप फोर कर दो इसको क्योंकि लेंथ कम होती जा रही है तो अब वन से स्टार्ट करना मतलब यू से तो यू एसई यू आ गया अब इसी में से यही सेम चीज फिर से देखो अब जीरो वन टू बच गया फिर वन से स्टार्ट करो एसई e आ गया आपके पास फिर एस ई e बच गया एस ई e में से जीरो स्टार्ट करो ई e बच गया इस तरीके से काम हो रहा था सही है तो होपफुली समझ आ गया होगा मी गो बैक टू योर क्वेरीज नाउ इसको हटाते हैं यहां से चलो Uh, ये हो गया लेंथ माइनस वन क्यों नहीं किया बेटा ज़रूरत नहीं थी उसकी क्योंकि हमारा पाइथन जो है ना वो ऑलरेडी उसको अप टिल बट नॉट इंक्लूडिंग वाली लॉजिक को यूज़ करता है फर्स्ट करेक्टर समझा दें फर्स्ट करेक्टर से क्या होता है इंडेक्स जीरो को एक्सेस करो जीरो का मतलब है जीरो वन टू थ्री फोर तो पहला करेक्टर माँ ये हो गया सर आपने मिड फंक्शन यूज़ नहीं करा बेटा पाइथन के अंदर देर इज़ नो मिड फंक्शन अल्लाह के बंदे अच्छा प्लीज़ एक्सप्लेन लाइन टेन फिर से समझा दी लेंथ वाली बात समझ नहीं आई बेटा लेंथ वाली बात अभी मैंने क्लियर कर दी जो आपकी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही है राइट right? पहले आपकी लेंथ थी फाइव फिर फोर हुई फिर थ्री हुई फिर टू हुई फिर वन हुई फिर जीरो हो गई इस तरीके से काम हो रहा था सही लाइन बता सर अगर नेगेटिव वन करेंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं डिपेंड करता अगर कोर्ट काम कर है या नहीं काम करा था Uh, सम एक्सटेंड सही है लेकिन इसको इससे कंपेयर नहीं करना है अभी बताता हूँ बेटा वाई इन सूडो कोड वी डू लेंथ माइनस वन क्योंकि सूडो कोड में ना वो अपटिल बट नॉट इंक्लूडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में है बेटा रिकर्सिव में थोड़ी बनाना था आपने आइटरेटिव बनाना था कर दिया सर लूप क्यों यूज करें उसने बोला था ये हो गया ये हो गया सर डॉल रिकर्जन का सवाल नहीं था अल्लाह के बंदो तुम तो लोगों को क्या हो गया है उसने उसने आइटरेटिव कोड 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 बोला बोला था उसने बोला था सेम तो सेम 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 टू टू कर कर दो सेम तो सेम कर दिया हमने पार्टी पढ़ो पार्टी में क्या है राइट प्रोग्राम कोड फॉर द फंक्शन आइटरेटिव आल्टेटिव ये बनाना था आप लोगों ने आइटरेटिव का कोड तो सेम टू तो सेम, तो सेम कोड करना था अभी फिलहाल पहले पार्ट में सेम टू सेम कोड करना था सर एक्सट्रैक्शन समझ नहीं आई ये हो गई बेटा समझा दी मैंने फिर से आपका थ्री क्यों आ रहा है बेटा हाउस में कितने बॉबल्स होते हैं आसान जीरो एक यू दो ई तीन तीन बॉबल्स होते हैं तो थ्री आंसर आ रहा है सर हाउ इज वैल्यू डिक्रीमेंटिंग ऑटोमेटिकली बेटा क्योंकि आप उसको वन से उसी के अंदर वापस स्टोर करवाए जा रहे हो उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज कर रहे हो पहले हाउस थी फिर ओ यूएसई हुई फिर एस यू एसई हुई फिर एस ई हुई, 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 हुई इस तरीके से काम हो रहा था अच्छा चलो अब इज दर एनी क्वेरी अभी भी सर लाइन टेन में पहले वैल्यू वन कॉलम फाइव हुआ फिर वैल्यू वन कॉलम फोर हुआ एंड सो ऑन बिल्कुल ऐसे ही है वही call... रिकर्जन नहीं कर रहे अल्लाह के बंदे वो आगे के पार्ट्स में हैं सर आज नई चीज़ पता लगी फंक्शंस के नंबर ऑफ लूप्स को लूप के अंदर ही से बार बार चेंज कर सकता हैं नंबर ऑफ लूप्स को हाँ कर सकते हो चेंज बिल्कुल कर सकते हैं तरीके से कर सकते बेटा यही तरीका था जो उन्होंने बोला था उसी से करना है लोअर तो करें बेटा लोअर करने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा सिर्फ लोअर को ही कंसिडर करना है अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ओ डाल दूं तो उसको कंसिडर नहीं करना है इसका आंसर है टू इसका आंसर टू होना चाहिए सही है लोअर को कंसिडर नहीं करना है कैन आई डू फर्स्ट आर वैल्यू एक्स वैल्यू एक्स नहीं कर सकते बेटा नहीं ताहिरा नहीं कर सकते उन्होंने जो बोला है उसी तरीके को फॉलो करना है आपने अपने तरीके को इजाद नहीं करना है सही है सर वैल्यू स्ट्रिंग माइनस वन नहीं करना है आपके पास पांच करने हैं पांच लूप चलाने जो है ना? अगर तुम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन कर दोगे तो फोर लूप्स हो जाएंगे विच इज रॉन्ग तो आखिरी वाले को कंसीडर नहीं करेगा सर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों यूज करेंड ऑफ ब्रैकेट्स अल्लाह अली हसन बेटा एक्सट्रैक्शन के लिए वी यूज ब्रैकेट्स सही है बेटा वन से स्टार्ट नहीं करना था नदीम जीरो से करना था कर सकते हो जी लेकिन उसको चेंज नहीं करना ना बार बार तो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही रखनी है जो उन्होंने किया बस वो किया मैंने बिल्कुल लेंथ का जो फंक्शन है रिटर्न करेगा। सर इन house, बिल्कुल, आ, नहीं हाउस करोगे फाइव रिटर्न करेगा ना

सर लाइन टैंक का कोड समझ नहीं आ रहा एक्सप्लेन एक्सप्लेन अगेन ओके ये चीज समझा देता हूँ मैं फिर से सर लाइन टेंक का कोई और तरीके से कर सकते हैं नहीं कोई और तरीका नहीं है फर्स्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्स को इनिशलाइज करते हैं जीरो से ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते गलत सामिया जो चीज़ कही है वो करना है उन्होंने सिर्फ देखो यहाँ पे क्या करें क्वेश्चन में वो एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी वैल्यू है उसमें से एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है जो भी वैल्यू है उसमें से एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट करो तो ये काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे भाई इसको चीज़ को समझो अच्छा सर ये गया सर वैल्यू जीरो अ, सर लेंथ वैल्यू है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि पैसा अपटिल बट नॉट इंक्लूडिंग करता है ना क्योंकि जीरो फाइव अगर रखोगे वहाँ पे तो इसका मतलब है अपटिल बट नॉट इंक्लूडिंग तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से पांच लूप्स हो जाएंगे जरेज पूछो बेटा रिकर्जन इसी से लिंक्ड है पूरा सवाल कर रहे हैं हम लोग अभी इसके आगे के पार्ट्स में है रिकर्जन का अभी पार्ट बी अभी बेसिक तो तुम नहीं बन रहा अल्लाह बचा है वर्क बात वो नहीं हो रही है आई नो उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं आसान तरीके भी हैं आपने करना क्या है जो कोड लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है सिंपल चलो अब जरा फिर से देख लो अब जल्दी से यहां पे देखो सब लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं ये वैल्यू वाली चीज अब सुकून से देख लो देखो हर लूप के अंदर वो स्टार्ट किस तरीके से कर मी ट्राई टू प्रिंट प्रिंट वैल्यू और यहाँ पे मैं फर्स्ट करेक्टर को भी प्रिंट कर देता हूँ देख लो अब सुकून से हो क्या रहा है पहली दफा में वैल्यू की आ, हमारे पास क्या चीज थी हाउस था तो मैंने क्या किया हाउस जो भी था हमारे पास उसका उसने एच को प्रिंट कर दिया लाइक like हाउस में हमारी वैल्यू जो थी दैट वाज हाउस उसका पहला करेक्टर वाज एच तो यहां से वैल्यू जीरो जब की हमने फर्स्ट करेक्टर वैल्यू जीरो जीरो का मतलब था पहला करेक्टर अब उसके बाद हमने वैल्यू चेंज कर दी वैल्यू चेंज किस तरीके से की हमने कहा वैल्यू वन से स्टार्ट करो वन का मतलब होता है सेकेंड करेक्टर पाइथन के अंदर वन का मतलब होता है सेकंड करेक्टर सेकंड करेक्टर से जितनी भी लेंथ है उसकी सारी वैल्यूज दे दो मुझे तो दैट इज फर्स्ट करेक्टर दैट इज जीरो

ओ आपने ले लिया ओ यू एस ई से ओ यू एस ई से लेफ्ट से पहला करेक्टर आ रहा है जीरो तो फर्स्ट करेक्टर इज जीरो वो आ गया आपके पास आपने उस पर चेक कर लिया अब उसके बाद फिर से लूप चला आपने ओ यू एस ई के अंदर से फिर से चेंजेस किए लेकिन अब सेकेंड करेक्टर फर्स्ट पोजिशन से स्टार्ट करके यू एस ई ले लिया तब वैल्यू चेंज हो चुकी क्या हो चुकी है ई e हो चुकी है इसमें से पहला करेक्टर ले लो दैट इज यू।, यू यू ले लिया भाई हम लोगों ने फिर से लूप चला अब फिर से लूप चलने के बाद अब क्या होगा फिर एडिशन कर ली सब कैलकुलेशन कर ली अब हमारे पास आया यू एसई में से चीजें लेनी है अब हमने हमने कहा वैल्यू के अंदर चेंजेस कर दो लेकिन पहली पोजीशन से स्टार्ट करो इसकी और लेंथ वैल्यू ले लो. लेंथ वैल्यू मतलब टोटल तक अब क्या होगा ई बच गया मेरे पास एस ई जब एस ई आ गया अब मुझे क्या करना है इसमें से पहला करेक्टर विच इज एस यहाँ पे आ गया अब एस ई में से एक्सट्रैक्शन करवानी है उसकी वैल्यू फिर से चेंज कर दो वैल्यू वन कॉलन लेंथ ऑफ वैल्यू वन से स्टार्ट करो वन मतलब ई से ई से टोटल तक

आगे आगे का पार्ट देखते हैं अच्छा पार्ट ए e में उसने कहा था इसका आइटरेटिव वॉवल्स लिखना है पार्ट टू में उसने बोला है आप लोगों ने आईटरेटिव वॉवल्स को उसमें पैरामीटर हाउस को पास करो जो मैंने कर लिया और अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर लो प्रोग्राम को टेस्ट भी कर लिया हम लोगों ने इसका स्क्रीन ले लो स्क्रीन किस चीज़ का लोगे जिसका आंसर आएगा इसमें ना प्रॉपर वो बता देना एक मैसेज दे दो आइटरेटिव वॉल्स आइटरेटिव वॉवल इस तरीके से दे दे वोवल्स को जब हम कॉल कर रहे हैं तो मेरे पास आंसर, आंसर, वो तो आंसर कर चीज करनी है, है यहाँ से देखो अब अब जो है ना तुम लोगों ने करना क्या है इसका पार्ट बी है एस, रिकर्सिव वोवल यही सेम चीज अब रिकर्सिव से करनी है एक थोड़ी बहुत हिंट्स दे देता हूँ तुम लोगों को बाकी फिर खुद करना और मैं भी करके दिखाऊंगा देखो इसमें सोचो कि आपका लूप्स रुकते कब है कब लू, लूप आपके रुक रहे हैं किस कंडीशन पे लूप्स रुकेंगे अब इसके बारे में सोचना है तुम लोगों ने कि जब आपकी चलो खुद सोचना चलो वैल्यू को कंसिडर करते हुए और सोचना कि हर लूप में ऐसी क्या चीज चेंज हो रही है ऐसी क्या चीज है जो कि चेंज हो रही है ये दो तीन चीजें सोचनी है तुम लोगों ने और उसके मुताबिक

सोचना है विजुलाइज करना है विजुलाइज करके इसको ब्रेक डाउन करना है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आज आप लोगों ने एक छोटा सा सवाल है बस ये लाइक छोटा सा सवाल तो नहीं है उसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को तो रिकर्जन के लिए सोचना जरूरी है आप लोगों को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करो उसको सोचो इसका बेस केस क्या होगा कब जाके आपने अपने लूप को रोकना है और फिर वापस से अनवाइंडिंग स्टार्ट करनी है अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि वाइंडिंग जैसे होती रहेगी तो उसमें किस वाले उसमें फर्स्ट करेक्टर के अंदर प्लस वन करवाना है किस वाले में कुछ भी प्लस नहीं करवाना तो उसके मुताबिक सोचना ठीक है और बेस केस क्या होगा एक छोटी सी हिंट दे देता हूं कि बेस केस इज रिलेटेड टू योर लेंथ ऑफ वैल्यू बाकी गुड लक तो आई एम गोइंग टू गिव यू अराउंड 15 मिनट्स फॉर दिस सही है 15 टू to... और टाइम चाहिए तो दे दूंगा लेकिन अभी फिलहाल 15 मिनट्स हैं आपके पास ठीक है फिर बाकी फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक्सप्लेन भी करूंगा इंशाल्लाह ओके okay, जी लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग एंड माइक्रोफोन well. अच्छा भाई अब सर सब यहाँ पे फोकस कर लें मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किस किस से हो गया यस सुन नो में जवाब देना आई नो लाइक मुझे मालूम है सबसे नहीं हुआ होगा कोई मसला नहीं है लाइक like, किस किस से हो गया बस ये बता दो बस मुझे चलो तो कुछ तो यस yes दिखे बहुत मैटी परसेंट ठीक है सही अरे शायद हो गया मतलब आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा अरे तो चैट जीपीटी की मदद मतलब से इंसान बन जाओ तुम लोग शायद कुछ तो किया चलो अच्छी बात है हसन हो गया सही तुम्हारा चलो बहुत आला है बहुत आला बेहतरीन 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 बस ठीक है अब जिससे नहीं हुआ ना वो यहां पे देखे और अब देखो कि मैं किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसका लाइक क्या रिकर्शन का तरीका होगा किस तरीके से आप लोग रिकर्सिव कॉल को देखोगे लेट्स डू दैट अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाऊँ कैर री राइट द फंक्शन जो आई टेटिव वॉवल्स वाला फंक्शन है उसको वो सेम फिर से लिखना है लेकिन एज अ रिकर्सिव फंक्शन और उसका जो आइडेंटिफायर होगा उन्होंने बोला आपको रिकर्सिव वॉवल्स के नाम से आपने बनाना है अच्छा अब देखो जब भी ऐसे सवाल आए ना तुम लोगों के पास लेट मी शो यू ये मेरे पास आईटीटिव वॉबल्स के नाम से चीज़ है जिसमें आप लोगों ने करना क्या है जिसमें आपने करना ये है कि अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली uh, ऐसी क्या चीज़ है जो कि हर लूप में चेंज हो रही है सही है तो जो चीज़ लूप को देखा करो बेसिकली आपने सब मेन चीज़ है ना आइट्रेशन और रिकर्जन के अंदर जो मेन डिफरेंस है दैट इज हम लोग जो चीज़ हमें बार बार करवानी होती है वो हम लोग आइट्रेटिव में लूप्स के जरिए करवाते हैं और जो चीज़ आप लोगों ने uh, यही यह, जब ये यह चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हर लूप में क्या चीज़ चेंज हो रही है हर लूप में हमारे पास वैल्यू जो कि चेंज हो रही है और ये चीज़ कब जाके रुकेगी ये आपकी रुकेगी जब जब आपकी लेंथ ऑफ लेंथ जो है आप जो भी चीज़ लेंथ ऑफ वैल्यू है वो एक तरीके से जीरो हो जाएगी तो आपने आइडेंटिफाई क्या कि, किस तरीके से करना है जब भी आपकी लेंथ ऑफ वैल्यू जीरो हो जाए उस वक्त आपने रिकर्जन को रोक देना है तो दैट्स बेसिकली यो बेस केस तो आइडेंटिफाई किस तर, किस तरीके से होगा अगर आपकी लेंथ अभी तक जीरो नहीं है सारे करेक्टर्स आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किए हुए हैं तो आप लोगों को वो जनरल केस कहलाएगा उसको वो बार बार चलाते जाएंगे तो दिस इज समथिंग विच इज़ गेटिंग रिपीटेड सही है इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और अब जो नॉलेज हम लोग प्रॉपर्ली देख चुके हैं इन योर फॉर एग्जाम्पल इन योर जो टोटलिंग का एक केस किया था हम लोगों ने अब करते क्या है आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई अगर मेरी लेंथ जीरो हो जाएगी तो रिटर्न जीरो रिटर्न जीरो क्यों करते हैं ताकि आप लोगों का जब अनवाइंडिंग स्टार्ट हो तो वो जीरो से स्टार्ट हो तो जीरो प्लस समथिंग प्लस द रिकर्सिव कॉल ऑफ प्रीवियस वैल्यू तो प्रीवियस में अगर वन था तो उसको हम प्लस वन करवाएंगे अब इसमें आपने सोचना किस तरीके से के बेस केस क्या है पहले इसको स्टार्ट करो बेस केस क्या है Let's do that. Let's just do def. Recursive call के नाम से आपने बनाना है इसको Recursive vowels के नाम से अब इसके अंदर क्या करना है वही सेम चीज आपने लेनी है वैल्यू तक़रीबन सिमिलर कोड है बस थोड़ा सा डिफरेंस आपने इसको देखो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और आज ही क्लास में इस चीज को सीख के जाओ समझ के जाओ कि जब भी आप लोग किस, किसी भी चीज को बेस केस को आइडेंटिफाई कर लिया आपने देखो अब यहां पे आपने अपना बेस केस सबसे पहले बनाना है कि इफ लेंथ ऑफ वैल्यू इफ वैल्यूथ वैल्यूल टू इज इक्वल्स टू जीरो अगर आपकी लेंथ जीरो जाती है दैट मीन्स कि आपका एक तरीके से बेस uh, केस आपने सारी चीजों को एक्सट्रैक्शन कर लिया लेंथ ऑफ वैल्यू जीरो हो चुकी है जब भी जीरो हो जाए रिटर्न कर दो जीरो अच्छा रिटर्न जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है भाई ये हम लोग बहुत दफा कर चुके हैं आप लोगों को जब अनवाइंडिंग करते हो ना तो एट दी एंड आपको लास्ट कॉल आपको चाहिए होती है आपको ब्रेक डाउन करना होता अपने है अपने कोड को वाइंडिंग करते वक्त तो हम लोग क्या करेंगे एक एरियस को इमेजिन करते रहो तुम लोग यहाँ पे मी शो यू एक स्टैक को इमेजिन करते रहो सॉरी ये एक स्टैक है आप लोगों का अब जो भी चीज सोचनी है ना वो उसके मुताबिक सोचनी है रिकर्जन में क्या होता है आपकी पूरी की पूरी कॉल जो है वो जाके स्टोर हो जाती है यहां पे, सही है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली दफा जब रिकर्जन कॉल होगी तो रिकर्जन हाउस के साथ कॉल होगी इस तरीके से फिर जब रिकर्जन कॉल होगी अब इसमें एच वाला करेक्टर आएगा अब सोचना इस चीज को कि एच वाला करेक्टर आएगा फिर रिकर्जन कॉल होगी ओ यू एस ई के साथ ओ वाला करेक्टर आ जाएगा उस रिकर्जन अच्छा ओ में प्लस वन करना है या नहीं करना इसमें सोच रहे इसमें मुझे प्लस वन करवाना है इसमें मुझे कुछ भी नहीं करवाना है इसमें अगर प्लस जीरो बोल देते हैं कुछ भी नहीं करवाना तो रिकर्जन अब मुझे यू एस ई के अंदर यू आ गया तो यू में प्लस वन करवाना है मतलब तो जो भी रिकर्जन कॉल होगी उसके साथ प्लस वन करवाना पड़ेगा मुझे तो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो रिकर्जन कॉल प्लस वन इस तरीके से अब दूसरे वाले करेक्टर में क्या करना होगा एस ई अब यहाँ पे यू एस ई था अब यहाँ पे रिकर्जन एस ई पास होगा तो एस के अंदर मुझे प्लस जीरो करवाना है कुछ भी नहीं एक तरीके से इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अब उसके बाद एस आर ई आर ई का मतलब अभी भी लेंथ जीरो नहीं हुई है यहाँ पे ई e आ गया दैट मीन प्लस वन करवाना है और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा आर अब कुछ भी नहीं गई यहाँ पे जब वैल्यू हमारे पास एम टी जा रही है एक तरीके से या तुम ये भी कर सकते हो कि लाइक समझ लो बेसिकली अब आपकी लेंथ जीरो हो चुकी है राइट क्योंकि हम उसको माइनस करे जा रहे हैं अब यहाँ पे जब वैल्यू लेंथ जीरो हुई अब वो रिटर्न कर देगा जीरो अब इसको रिकर्सिव को अनबाइंड करना है तो लास्ट वाली जीरो वाली चीज का प्लस वन फिर प्लस जीरो फिर प्लस वन अब अनबाइंडिंग के अंदर कैलकुलेशन होती है फिर प्लस वन फिर लास्ट वाले में प्लस जीरो तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा है दैट इज थ्री इसको रिटर्न करवा दोगे इस तरीके से काम करना होता है अब अब जब भी केसेस बनाओगे ना इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाना कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, करके. अगर हो रही है करके. और उसकी वैल्यू चेंज करते जाओ वैल्यू की जैसे आप लोग कर रहे थे हर उसके अंदर देखो बेस के आइडेंटिफाई कर लिया इफ लेंथ जीरो क्योंकि हर उसमें वो कम होती जा रही है ई e होगी ई e को और एक्सट्रैक्ट करोगे और कम हो जाएगी फिर उसको एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसकी वैल्यू एक, एक, एक वक्त आएगा जिसमें लेंथ जीरो हो जाएगी व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू रिटर्न जीरो करने के बाद एल्स अब जनरल केसेस की बात है तो जनरल केसेस तुम्हारे पास दो दफा है दो केसेस हैं और वो क्या क्या है अगर आपका एक केस है आप लोगों का जिसमें आपने चेक करना है कि जिसमें ए ई आई ओ यू हो जाता है वॉवेल है वो तो उसमें आपने क्या करना है उसमें प्लस वन की रिकर्सिव कॉल होगी और दूसरा केस क्या रिकर्सिव कॉल का फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने रिकर्सिव कॉल उसमें सीखी थी ना तुम लोगों ने इन योर बाइनरी ट्री बाइनरी ट्री में जो हमने ट्रेवर्सल सीखे थे तो उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास लेफ्ट पॉइंटर पे वैल्यू नेगेटिव वन है तो उसको छोड़ देना है उस पर रिकर्सिव कॉल नहीं करनी है। और अगर नेगेटिव वन नहीं है तो लेफ्ट पे रिवर्सल कर लो अगर राइट right पे नेगेटिव वन नहीं है तो राइट right पे रिवर्सल कर लो उस तरीके से आप लोगों के काम होते थे तब जो चीज सीखो ना तुम लोग पुराने कोर्स के अंदर उसको इंप्लीमेंट करो तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेज है रिकर्सिव कॉल के एक में प्लस वन करवाना है एक में प्लस वन नहीं करवाना है एक में प्लस जीरो करवाना है या नहीं भी करवा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे अच्छा अब एल्स की कंडीशन में क्या है आपने ये सारा काम फिर से करवाना ही है के फर्स्ट करेक्टर वैल्यू फर्स्ट करेक्टर वैल्यू हर उसमें एक्सट्रैक्शन करनी है तो लेट्स डू दैट लेट्स डू द सेम थिंग यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने टोटल इक्वल टोटल प्लस वन नहीं करना ओ माय बैड मैंने उसको रिमूव कर दिया चलो उसको ना uh, लिख ही लेते हैं एल्स के अंदर आपने फर्स्ट करेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू जीरो करनी है हर एक एक उसके अंदर आपने जीरो के नंबर को लाइक फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट करेक्टर को एक्स्ट्रैक करवाते जाना है इफ की कंडीशन आएगी लेट मी जरा डिक्रीज दिस बैक चलो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है अब मुझे अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिकर्सिव कॉल करोगे प्लस वन करके अगर कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन रिकर्सिव कॉल जो होगी ना वो पहले अगर जैसे हाउस था तो प्लस वन तो करना है लेकिन हाउस के साथ अब आपने जो रिकर्सिव कॉल करोगे उसमें चेंज करके करोगे तो अब आपने क्या करना है अब वैल्यू को चेंज करो आप पहले अपनी तो दिस कम्स ओवर हेयर अब आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है जब आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है नाउ यू आर सपोज टू रिटर्न तो वही ऊपर वाला कोड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली तब तो आपने रिटर्न करवाना है इसको रिटर्न किस तरीके से करवाओगे रिटर्न रिकर्सिव वोवल्स और अब वैल्यू का पास कर दो यहाँ पे तो अब वो चेंज चेंज होती रहेगी लेकिन एक काम जरूर करना है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है देन यू आर सपोज टू डू वन प्लस

लेकिन द थिंग इज जो चीज रिटर्न करवा रहे हो ना आप उसमें प्लस नहीं करना अगर फॉर रिकर्सिव इमेजिन कर लेते हैं हाउस तो हाउस में पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वन प्लस नहीं करवाना लेकिन आपने जीरो प्लस करवाना है जीरो प्लस करवा दो या नहीं भी करवाओ जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं भी फिलहाल समझाने के लिए जीरो प्लस करवा रहा हूँ तुम लोगों को कि इसमें रिकर्सिव कॉल होगी लेकिन उसमें कोई चीज आप ऐड नहीं करोगे सिर्फ जीरो ऐड हो रहा है दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू दिस इस तरीके से वो बार बार रिकर्सिव कॉल होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी सारे स्टैक पे स्टोर होते जाएंगे आपके पास एट दी एंड वैल्यू लेंथ की जीरो बच जाएगी आप यहां पे ये भी कर सकते थे लेंथ ऑफ वैल्यू नहीं करते अगर तो वैल्यू से भी कंपेयर करवा सकते हो कि वैल्यू इज इक्वल टू एम वो भी ठीक है लेकिन इसका जो बेस किस्त था दैट इज रिलेटेड टू लेंथ तो इफ लेंथ ऑफ वैल्यूज इक्व जीरो रिटर्न जीरो और अब जैसी बेस केस रीच हो जाएगा अब अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी अनवाइंडिंग किस तरीके से होती है

Recursive, recursive vowels और इसके अंदर पास करना है आपने इमेजिन इस तरीके से इसको प्रिंट कर दो प्रिंट टेम टू लेकिन विद अ मैसेज विद अ प्रॉपर मैसेज अच्छा प्रॉपर मैसेज कैसे आएगा यहाँ पे पहले मैसेज करो रिकर्सिव वॉबल के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है टेम टू को कॉल कर दो चाहिए सही जी ट्राई टू रन द कोड इट शुड गिव मी आई ए आई ईरा इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है आई एक दो तीन चार फोर आंसर आना चाहिए लेट्स ट्राई टू रन द कोड बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसमें कॉलन भी डाल देता हूँ मैं देख लो भाई आंसर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है मेरा चलो अब मैं इसको ना तुम लोगों को अनवाइंडिंग करके दिखा देता हूँ और वाइंडिंग करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ों को लेट्स द कोड न ताकि एक दफा कंफर्म हो जाए सारी चीजों का फिर तुम लोगों से बात करते हैं और डिटेल में चलो लेट्स स्टार्ट एक दफा स्टैक की वाइंडिंग और अनवाइंडिंग कर दू लेट मी जस्ट क्रिएट द स्टैक फर्स्ट रफली मुझे स्टैक बनाने तो यहाँ पे चलो यहाँ पे फोकस कर लो सब नाउ द थिंग इज लेंथ ऑफ इज इक्वल्स टू जीरो जब तक लेंथ ऑफ वैल्यू जीरो नहीं हो जाती आपने इसको बार बार चलाना है uh, अब होगा क्या यहां से हम जो एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो इट्स लेट्स डू दैट कहाँ uh, पर है हमारे पास लेट मी डू दिस विद अ ग्रीन कलर मे बी चलो रेड से स्टार्ट करते हैं फिर चेंज कर लेंगे अच्छा सबसे पहली चीज वैल्यू के अंदर हमने रिकर्सिव वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे पास किया पहली पहली कॉल कर रहे हैं रिकर्सिव की दैट विल गिव यू रिकर्सिव और वैल्यू के अंदर हम लोग पास कर देते हैं हाउस ठीक है जनाब मैंने हाउस पास कर दिया अच्छा जैसे ही मैंने हाउस पास किया अब क्या होगा भाई यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर वैल्यू जीरो जीरो नहीं है तो एल्स पर आ जाओ फर्स्ट करेक्टर टू वैल्यू जीरो जीरो का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों ने पहला करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है दैट विल बी एच सही है अब एच को चेक करो इफ फर्स्ट करेक्टर टू ए ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी जैसी कंडीशन फॉल्स होगी एल्स पे चले जाएंगे तो एच वाले सिनेरियो में आपने जीरो प्लस रिकर्सिव वॉवल्स करना है मतलब इस वाले में जो इस वाले का आंसर आ रहा है दैट इज जीरो तो इस चीज को समझो कि इस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल में इस पर्टिकुलर लूप के अंदर आपने जीरो रिटर्न करना एक तरीके से तो यहाँ पे आपको जीरो रिटर्न होगा तो लेट्स जस्ट टेक दिस ओवर हियर एंड वील स्टोर दिस ओवर हियर अभी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है रिकर्सिव हाउस रिकर्सिव हाउस इस तरीके से याद रखना बस इसकी स्टेट इसकी स्टेट थी ये वाली यहाँ तक थी एल्स वाली चीज में अभी हम जीरो बाद में एडिशन जो होगी कैलकुलेशन हमेशा एंड में होती है अच्छा जैसे ही हम जीरो प्लस कर रहे थे लेकिन किसके साथ जीरो प्लस करना है रिकर्सिव वोबल्स वैल्यू वैल्यू अब जो है वो यहाँ पे हम चेंज करवा चुके हैं किस तरीके से वैल्यू चेंज हो गई है वैल्यू वन कॉलन लेंथ ऑफ वैल्यू वन कॉलन वैल्यू का मतलब है अब आपके पास वैल्यू चेंज होकर ओ यू एस ई हो चुकी है जैसे ओ यू एस ई हुई अब रिकर्सिव कॉल किया आपने ओ यू एस ई के साथ लेट मी चेंज दिस टू रिकर्सिव ओ यू एस ई जब आपने ओ यू एस ई के साथ रिकर्सिव कॉल किया अब क्या होगा फर्स्ट करेक्टर वैल्यू विल बी फिर से वही सेम चीज चेक करो क्या कैलेंट जीरो है अभी नहीं है भाई अभी फोर है मेरे पास फिर उसके बाद फर्स्ट करेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू जीरो फर्स्ट करेक्टर वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि भाई आपके पास यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर में वैल्यू जीरो आ जाएगी अब जैसे ही जीरो आएगी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ऑफकोर्स वो वोवल वो होता है अब आप क्या करोगे पहले करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो दैट विल बी रिकर्सिव ओ यू एस ई था यहाँ पे ओ यू एस ई अब उसके बाद वैल्यू चेंज हो चुकी है अब क्या हो चुकी है भाई अब वैल्यू चेंज होने के बाद हमारे पास बच गई है यू यू एस ई एस ई ये बच चुकी है लेकिन हमने कहा इसमें रिटर्न कर दो वन प्लस करके ना इसकी जो कॉल है दैट इज प्लस इस वाले सिनेरियो ओ के okay ऊपर और रिकर्सिव प्लस करने के बाद रिकर्सिवल रिकर्सिव का मतलब क्या है भाई रिकर्सिव का मतलब है आप लोगों का दैट्स बेसिकली यू एस ई सही है अब आपने तो जो थर्ड टाइम जो कॉल कर रहे हो दैट इज रिकर्सिव U -S -E. तो यहां पे आपके पास स्टैक पे ऐड हो गया रिकर्सिव यू एसई -E. अच्छा जब रिकर्सिव यू एसई -E कॉल किया हम लोगों ने यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट करेक्टर फिर से वैल्यू का जो फर्स्ट करेक्टर था दैट वॉज यू एसई इसका पहला करेक्टर यू था यू से चेक करो कंडीशन ट्रू हो रही है बिल्कुल हो रही है यू एसई में से पहला करेक्टर फर्स्ट पोजिशन सेकेंड करेक्टर से एक्सट्रैक्ट करो तो सेकेंड करेक्टर में वैल्यू आ जाएगी एसई तो अब मेरे पास जब बाद में कॉल होगा दैट दस ई से कॉल होगा तो लेकिन इस वाले सिनेरियो में जब यू था यू वाला जो रिकर्सिव कॉल थी यू वाला जो लूप था उसमें आपने वन प्लस करके करना है वन प्लस रिकर्सिव वॉबल्स वैल्यू तो वन प्लस का मतलब अभी बाद में एडिशन करते हैं वाइंडिंग करते वक्त एडिशन परफॉर्म नहीं होती है तो अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे इसको स्टोर कर दिया आपने रिकर्सिव यू एस ई को अब एस ई को रिकर्सिव कॉल कर दो यहाँ पे रिकर्सिव एस ई तो आपने जैसी रिकर्सिव एस ई की है यहाँ पे आपके स्टैक पे आ गया वो अब एस ई को फिर से चेक करो यही सेम चीज फिर से करनी है एस को चेक करो कंडीशन फॉल्स हो गई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लो ई e बच गया आपके पास वैल्यू के अंदर ई e बच गया लेकिन इस वाले सिनेरियो में जब एस था तो जीरो को प्लस करना है तो ये याद रखना है इसमें ज़ीरो प्लस हो रहा है सही है प्लस कर दो रिकर्सिव वॉवल्स जीरो रिकर्सिव वीरो का मतलब क्या है भाई आपका आ, रिकर्सिव वॉवल्स वैल्यू तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर ई e चला जाएगा अब आपके पास रिकर्सिव कॉल हुई है e के साथ अब जैसी रिकर्सिव ई e के साथ कॉल हुई है इसका मतलब क्या अब फिर से चेक करो फर्स्ट करेक्टर वैल्यू जीरो का मतलब क्या है एक तरीके से हमारे पास इसका फर्स्ट करेक्टर ई ही आएगा और उसके बाद इफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू कंडीशन ट्रू हो रही है वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो अब जब सेकेंड करेक्टर सेकंड करेक्टर एम टी है तो हमारे पास वैल्यू के अंदर वैल्यू आ जाएगी एम टी स्ट्रिंग अब उसके बाद चेक करो रिटर्न प्लस रिकर्सिव वॉवल्स अब इसको हम लोग एक एम टी वैल्यू के साथ इसको रिकर्सिव को कॉल करेंगे अब जब यहाँ आके चेक करोगे बाद में देखते हैं लेकिन इस वाले सिनारी में वन प्लस करवाना है ये चीज़ दिमाग में रखना ओके okay, परफेक्ट अब आपने क्या करना है रिकर्सिव वॉबल एम के साथ जब कॉल हुआ हमारी वो बेस केस रीच हो गया क्योंकि लेंथ ऑफ एम टी इज बेसिकली जीरो जब वो जीरो बेस केस रीच हुआ उसने कहा रिटर्न जीरो लेट मी कॉल दिस दिसर्सिव एम टी इसका बेस केस रीच हो गया दैट वॉज जीरो अब यहाँ अब हमने एडिशन परफॉर्म करनी है हमारे पास आंसर जीरो आ चुका है अब हम अनवाइंडिंग करेंगे इसको रिटर्न करने का आउटपुट जीरो आ चुका है अब ई e की बात करते हैं रिकर्सिव ई e. तो रिकर्सिव ई e में हम यहां पे थे तो वन प्लस वन प्लस रिकर्सिव एम टी इसका आंसर क्या था भाई सब चार्ट पे बताएं मुझे जरा एक्टिव रहना अभी सवाल मत करना सिर्फ मुझे सिर्फ चार्ट अनवाइंडिंग करवा दो मेरे साथ जल्दी से चार्ट पे एक्टिव रहो अभी सवाल मत करना चलो बस मुझे ये बताओ रिकर्सिव एम का आंसर क्या था रिकर्सिव एम का आंसर

जब हम e को देखते हैं अब आंसर है, e तो e है, बताओ रिकर्सिव एम टी का जीरो प्लस वन कर दो तो रिकर्सिव ई e का आंसर क्या बन रहा है वन e बन रहा है परफेक्ट हो गया क्योंकि वहां पे प्लस वन का कॉन्सेप्ट था चलो जब रिकर्सिव ई e का आंसर आ चुका है आपके पास अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने चेक करना है रिकर्सिव एस को वो करो अनवाइंड रिकर्सिव एस जब हम रिकर्सिव एस ई को देखेंगे let's do that. Recursive SE. Recursive SE में क्या हो रहा था भाई जल्दी से देखते हैं हम लोग यहाँ पे थे इस पर्टिकुलर इस पोजिशन पे थे जब हम यहाँ पर आए हमने कहा जीरो प्लस रिकर्सिव वैल्यू रिकर्सिव वैल्यू का मतलब क्या है भाई यहाँ पे जो सिर्फ पुराने वाली वैल्यू थी दैट वॉज रिकर्सिव ई चलो रिकर्सिव ई e का आंसर बताओ मुझे रिकर्सिव ई e का आंसर e बताओ पहले पहले रिकर्सिव ई e का आंसर बताओ वन अब जीरो प्लस वन करो आंसर क्या रहा है रिकर्सिव एस ई का रिकर्सिव एस ई का आंसर totally क्या रहा है दैट्स टोटली वन परफेक्ट रिकर्सिव एस ई का आंसर क्योंकि उसमें जीरो प्लस हो रहा था राइट right? हम इस वाली स्टेट पे थे तो उसमें आंसर जीरो आ रहा है जीरो प्लस वन चलो ये हो चुका है अब रिकर्सिव यू एस ई को एक्सट्रैक्ट करते हैं अनवाइंड करते हैं रिकर्सिव Recursive USE. जब रिकर्सिव यू एसई की बात करेंगे हम लोग तो इसमें क्या हो रहा था भाई हम लोग थे यहाँ पे इस स्टेट पे थे इसी स्टेट से वापिस से कंटिन्यू होगा तो रिकर्सिव यू एसई तो दैट्स बेसिकली वन प्लस एस ई रिकर्सिव एस ई का आंसर बताओ पहले वॉट्स द आंसर ऑफ रिकर्सिव एस ई रिकर्सिव एस ई का आंसर बताओ सब इट्स वन तो वन प्लस वन विल गिव यू दैट विल गिव यू टू चलो ये चीज आ गई अब रिकर्सिव यूएसई कर लिया अब रिकर्सिव ओ यूएसई को एक्सट्रैक्ट करते हैं अनबाइंड करते हैं रिकर्सिव ओ तो इसमें था वन प्लस रिकर्सिव यू एसई चलो अब रिकर्सिव यूएसई से बताओ पहले रिकर्सिव यूएसई से बताओ सब रिकर्सिव यूएसई रिकर्सिव यूएसई कांसर टू था तो टू प्लस टू प्लस वन विव यू थ्री तो रिकर्सिव ओ यूएसई का आंसर आ गया थ्री अब कॉल करते हैं हम लोग लास्ट वाली को मैं ग्रीन से कर रहा हूं यहाँ पे रिकर्सिव लास्ट अनवाइंड करनी है इसको रिकर्सिव एच ओ यूएसई तो एच ओ यूएसई का मतलब क्या है भाई हम लोग थे इस वाली स्टेट पर नीचे वाली स्टेट पर तो जीरो प्लस

लाइक like, बहुत आसान है तुम लोग अगर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ऐसा डरना नहीं है सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में सोचो कि कहाँ पे मुझे वन प्लस करवाना है किस वाले केस में प्लस वन करवाना है किस वाले केस में देखो जितने क्वेश्चन कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो जैसे तुमने बाइनरी ट्री किया उससे कुछ सीख सकते हो फिर उसके बाद तुमने दो तीन सवाल हमने और किए टोटलिंग का किया था एक फिर उसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई टू वाला कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हर उसमें मल्टीप्लाई टू रहा था तो हर चीज से सीखना है जैसे इस सवाल से हमने क्या सीखा कि जहां जहां कंडीशन टू रही है उसको आइडेंटिफाई करो किस साथ आपने प्लस वन करना है किस में प्लस जीरो करना है सही है तो हर चीज को देखो और अटेम्प्ट करो इसको अब सुकून से मैं यहाँ पे इंतजार करू तुम लोगों का पहले इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो दो मिनट दे रहा हूँ फिर मैं तुम लोगों से क्वेरीज देखूंगा तुम लोगों की सही है दो मिनट है तुम लोगों के पास दो मिनट बाद ही एग्जैक्ट क्वेरीज देखूंगा लेकिन पहले खुद ही अटेम्प्ट करो तो एट फिफ्टी फाइव पे आप लोगों की क्वेरी स्टार्ट होंगी उससे पहले मैं माइक अपना म्यूट रख रहा हूँ खुद अंडरस्टैंडिंग बेलअप करो उसकी सही है okay uh by the way that's it for the lecture let me pause the recording queries okay.